हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इनटू हाइड्रोकार्बन यूजिंग जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेट HCl इज कॉल्ड। जब कीटोन और एल्डिहाइड को जिंक अमलगम और कंसंट्रेट HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाता है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना है। सो द की कंसेप्ट दैट वी विल यूज हेयर इज रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। और कौन से कार्बोनाइल कंपाउंड देखेंगे हम इसमें, एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड जिसमें CHO ग्रुप प्रेजेंट होगा एंड कीटोन जिसमें सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो देखिए हमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि एल्डिहाइड एंड कीटोन को हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ये ले लिया, यहाँ पे आर और आर डैश कन्वर्ट करना है इसको। करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बोनाइल कार्बन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइलिन। ये क्या है, यहाँ पे मिथाइलिन CH2 मिथाइलिन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ओवरऑल क्या हो गया, पूरा का पूरा कंपाउंड हाइड्रोकार्बन। तो देखिए ये तो बहुत सारी रिएक्शंस के थ्रू हो जाता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने हमें इस रिएक्शन को सेलेक्टिव कर दिया है। क्या देखे, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम का मतलब मरकरी एंड कंसेंट्रेट HCl। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने हमें रिएजेंट स्पेसिफाई कर दिए हैं, तो दैट्स वाई ये रिएक्शन अब स्पेसिफिक हो गई है। तो इस रिएक्शन को हम बोल देते हैं क्लीमेंशन रिडक्शन। क्लीमेंशन रिडक्शन, देखिए क्लीमेंशन रिडक्शन में आपको याद होना चाहिए कि कार्बोनाइल हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होंगे करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन में, लेकिन रिएजेंट क्या होता है इसका, जिंक अमलगम और HCl। ये आपको जहाँ दिया है दैट मीन समझ जाइए क्लीमेंशन रिडक्शन है। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया क्योंकि ऑक्सीजन किसमें कन्वर्ट हो गई है, हाइड्रोजन में, तो रिड्यूस हो गई है ऑक्सीजन, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिडक्शन। अब हमें फर्स्ट ऑप्शन दी है कॉप रिडक्शन। देखिए कॉप रिडक्शन में टर्शरी एमीन कन्वर्ट होती है एल्कीन में, तो ये तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। और डो रिडक्शन में होता है क्लोरोबेंजीन कन्वर्ट हो जाती है फिनॉल में इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH और उसको हीट किया जाता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। सी में देखिए एल्डिहाइड और कीटोन हाइड्रोकार्बन तो बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिएजेंट यूज रहता है दैट इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की प्रेजेंस में पहले हाइड्रोजन इंटरमीडिएट बनेंगे, देन आपका अल्कोहल और बेस की प्रेजेंस में वो फर्दर एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सी इसका आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन यूज किया जाता है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू नोट इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।